गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे हैं. वेलकम टू कॉस्मोट इंटरनेशनल स्कूल. सो स्टूडेंट, अवर टूडेज लेक्चर इज अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. एज यू ऑल नो, अवर समर वेकेशंस आर गोइंग ऑन. जैसे कि हमारी समर वेकेशंस चल रही हैं एंड वी ऑल आर डूइंग सम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज एंड सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ओके, सो दैट इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस इज अवर दैट पार्ट ऑफ दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे इंग्लिश को हिंदी के साथ. है ना कुछ इंटरेस्टिंग सुनने में? राइट. जैसे कि आप सबको पता है कि हमें इंग्लिश आती है, बट हम सब जब हमें वो इंग्लिश बोलनी पड़ती है, हमें वो चीज़ बहुत टफ लगती है या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, क्योंकि हमें इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज लगती है और इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है. इसलिए हमें ये सब जो शाइनेस है वो हमें फील होती है. ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा समर वेकेशन का जो एक एक्टिविटी है, दैट इज द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. सो हम जो समर एक्टिविटीज में, जो हमारी समर वेकेशंस में जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट एक्टिविटीज बिल्ड योर फिजिकल एबिलिटी और योर मेंटल ग्रोथ एंड योर फिजिकल ग्रोथ एज वेल, कि आपकी जो माइंड की एबिलिटी है वर्क करने की और जो आपकी फिजिकल ग्रोथ है वो दोनों अप हो सके. जैसे कि योगा से, वैदिक मैथ से, रोबोटिक्स से, इंग्लिश क्लासेस से, जैसे कि हम ये सब कर रहे हैं. ओके, सो आज का हमारा लेक्चर रहेगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. तो आज बिफोर स्टेपिंग इनटू इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, हम सबको इंग्लिश सीखने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स सीखने पड़ते हैं, जो वर्ड्स हमें वो वर्ड्स बड़े टिप्स पे होने चाहिए, सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज दैट वर्ड्स. और ये वाले वर्ड्स आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भी नहीं पता होंगे जो लोग अच्छे खासे क्लासेस में पढ़ रहे हैं, बट योर स्कूल ब्रिंग्स सम these kind of the activities or lectures for you, ताकि आप English को बहुत interesting और easy manner में सीख पाएं. तो आज का हमारा video रहेगा human sound vocabulary से. human sound vocabulary means कुछ ऐसे words जो human की, जो human निकालता है या करता है activities, उससे related होती हैं. okay, so आज हम हमारी video start करें. before stepping into the video, video में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं कि जैसे कि जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं रोबोटिक्स की या हमारे इंग्लिश की या वैदिक मैथ्स की या योगा क्लासेस, वो सब बेटा आप लोगों की एक्टिविटीज़ पे या आप लोगों के रिस्पॉन्स या फीडबैक पे, रिवर्ट पे डिपेंड करता है कि आप लोग हमें कैसे देते हो. अगर आप लोगों का रिस्पॉन्सेज और फीडबैक नहीं आ रहा, दैट्स वाई जो हमारी ये वीडियोज़ हैं वो बहुत डिले हो रही हैं आने के अंदर. सो आई होप आज के बाद या ये वीडियोस देखने के बाद आप हमें फीडबैक और रिवर्ट बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि आपका स्कूल कुछ न्यू एक्टिविटीज आपके लिए इम्प्लीमेंट करता रहे. सो हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे ह्यूमन साउंड से रिलेटेड हैं. ओके, जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का हम. ये हिंदी वाला हम नहीं है. ये कौन सा हम है? आप सोच रहे हो मैम ये क्या कर रही है? मैम गुनगुना रही है. मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिंग नहीं कर रही हूँ, मैं गुनगुना रही हूँ. मैं क्या कर रही हूँ? मैं गुनगुना रही हूँ. ओके, सो गुनगुनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम. ये हिंदी वाला हम नहीं है. हम गुनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई कैन नॉट सिंग, आई कैन ओनली हम अ बिट, कि मैं गाना नहीं गा सकती बट मैं थोड़ा गुनगुना सकती हूँ. तो गुनगुनाने को हम क्या बोलेंगे? हम. जैसे कि आपको पिक्चर को देख के आप बहुत इजिली समझ पा रहे हैं कि जो एक छोटा लिटिल बॉय है वो क्या कर रहा है, वो एक सॉन्ग सुन रहा है बट वो गा नहीं रहा है, वो उसे सिर्फ गुनगुना रहा है. ओके, तो गुनगुनाने को हम क्या बोलेंगे? हम. ओके,
आई कैन ओनली हम अ बिट आई डोंट रिमेम्बर. जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई डोंट रिमेम्बर अ सॉन्ग बट आई कैन हम अ लिटल बिट. मुझे वो गाना याद नहीं है बट मैं थोड़ा सा गुनगुना सकती हूँ. ओके, इससे आपको क्या समझ आया? हम को क्या बोलते हैं? गुनगुनाना. ओके, ऐसे ही हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, गिगल. गिगल हम किसे बोलते हैं? एक हंसी को बोलते हैं. गिगल मीन्स हंसना. लेकिन जब एक शरारत भरी हंसी को हम कहते हैं ना, कोई शरारत भरी हंसी हंस रहा होता है या वो इतना हंस रहा होता है उसे कंट्रोल ही नहीं होता है हंसते टाइम. सो ही वॉज गिंगलिंग अनकंट्रोलेबली, कि जब वो हंस रहे है वो बहुत तेज हंस रहा है और वो बहुत एक अजीब सी हंसी हंस रहा है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. एक शरारत भरी हंसी को हम कह सकते हैं गिगल करना. एक शरारत भरी हंसी को हम क्या कह सकते हैं? गिगल करना. जैसे कि बेसिकली कोई बच्चा होता है वो कुछ ऐसी शरारत करता है क्लासरूम में टीचर के साथ या किसी अलग से दूसरे स्टूडेंट के साथ, और फिर एक वो शरारत भरी हंसी हंसता है, उसे हम क्या कहते हैं? गिगल. या जब हम बोलते हैं किसी को मुस्कुराना, जब हम किसी को हंसते हैं या हम बहुत ज्यादा लगातार हंसते हैं तो उसे भी हम कह सकते हैं गिगल करना. ओके, सो ये थे हमारे टू वर्ड्स. नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड. अब हम चलते हैं थर्ड वर्ड की तरफ, स्निफ. स्निफ, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जैसे मैं ये वर्ड्स बोल रही हूं आपको इन वर्ड्स का मीनिंग तो समझ नहीं है, लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है, आपको इन वर्ड्स के जो प्रोनंसिएशन है, आपको उन वर्ड्स के प्रोनंसिएशन पे भी प्रॉपर ध्यान देना है. ओके, यू हैव टू टेक केयर अबाउट द प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स. ओके, सो स्निफ मीन्स क्या होता है? जब हम किसी चीज को स्मेल करते हैं, किसी चीज को हम सूंघते हैं और उस टाइम हम एक आवाज करते हैं ना, आपको सुना? जब हम एक साउंड करते हैं, किसी चीज को इनहेल करते हो, या जब हम नोज के थ्रू कोई साउंड को इनहेल या स्मेल करते हैं, तो हम जब वो साउंड को हम क्या कहते हैं? स्निफ करना. ओके, लाइक शी टुक अ डीप स्निफ ऑफ द परफ्यूम. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप के ऊपर परफ्यूम परचेज करने जाते हो तो वो परफ्यूम स्प्रे करने के लिए क्या करते हैं? आपके रिस्ट के ऊपर एक परफ्यूम का स्प्रे करते हैं. रिस्ट मीन्स आपकी कलाई. हम कलाई को क्या बोलते हैं? रिस्ट. तो रिस्ट को वो क्या करते हैं? आपका परफ्यूम वहां पे स्प्रे करते हैं और फिर आपको वो स्मेल करने के लिए कहते हैं. हम क्या करते हैं? कैसे करते हैं? हम एक स्मेल लेते हैं. जब हम उस स्मेल लेते टाइम एक हम साउंड प्रोड्यूस होती है, हम उस साउंड को हम क्या कहते हैं? स्निफ. उस साउंड को हम क्या कहते हैं? स्निफ करना. और डीप स्निफ करना मतलब एक गहरी स्मेल लेना. आपको सुन रही है आई गेस साउंड? ऐसे जब हम कोई साउंड लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्निफ करना. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जब किसी चीज को स्मेल करना होता है, हम किसी चीज को लाइक फॉर एग्जाम्पल हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक को या हम किसी मॉकटेल को जब हम ड्रिंक करने से पहले हम उसे स्मेल करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे स्निफ करते हैं. बिफोर ड्रिंकिंग द वाइन शी स्निफ्ड द ग्लास. उसने उस ग्लास को स्निफ किया. ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे साय. हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे साय. जैसे हम बोलते हैं, जब हम ये साउंड लेते हैं, जब हम एक बहुत चैन भरी सांस लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साय. जब मान लो हमें कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें बहुत, हमारा मैथ्स का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आपको उस मैथ्स के एग्जाम की बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी की, आपने एग्जाम दे दिया, आपने मैम को शीट देने के बाद आप फील करते हो रिलैक्स, चलो एग्जाम तो गया. आप ऐसे फील करते हो ना, आप ऐसे रिलैक्स फील करते हो, शुक्र है, थैंक गॉड, एग्जाम तो हो गया और आपका एग्जाम अच्छा भी हो जाता है.
जब हम किसी भी टेंशन भरी सिचुएशन से निकल जाते हैं और उसके बाद हम फील करते हैं रिलैक्स करना, उसे हम क्या बोलते हैं? साय. He sighed deeply and sat down. उसने एक सांस को भरा, गहरी सांस को भरा और वो आराम से बैठ गया. ओके, सो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्लर्प. हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लर्प. फॉर एग्जाम्पल, आप टी या कॉफी को पीते हो या सूप को पीते हो, तब आप एक साउंड करते हो. आप ऐसी कोई साउंड करते हो, आप सोचो ये मैम क्या कर रहे हैं, बट आप ऐसे साउंड करते हो किसी टाइम. व्हाइल यू आर ड्रिंकिंग योर सूप और टी, यू शुड नॉट स्लर्प. कि जब भी आप अपनी सूप या टी को पी रहे हैं, आपको ऐसे साउंड करके नहीं पीना चाहिए. दिस इज अ बैड मैनर. तो आपको ये साउंड नहीं करनी चाहिए. जैसे ही आपको यहाँ पे एक पिक्चर में दिख रहा है, आपको बहुत इजीली आप इस पिक्चर को देख के सोच सकते हो कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक लेडी है, वो टी को पी रही है, लेकिन वो टी को बड़ा आवाज करके पी रही है. तो उस आवाज करने को हम क्या बोलते हैं? स्लर्प करना. उस आवाज करने को हम क्या बोलते हैं? स्लर्प करना. ओके, सो हमने क्या इस वर्ड से सीखा? हमने सीखा कि जब कोई भी टी, कॉफी या सूप को हम पीते हैं और उस टाइम हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं पीते टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? स्लर्प. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास, नेवर स्लर्प योर टी लाउडली. आपको अपनी टी को पीते टाइम जोर से आवाज नहीं करनी चाहिए. ओके, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है. हम बहुत इंटरेस्टिंग वे से कुछ न्यू वर्ड्स सीख रहे हैं. दीज वर्ड्स कैन मेक योर वोकैबुलरी स्ट्रोंग. आपकी जो ये वर्ड्स हैं, आपकी वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रोंग कर सकते हैं, सो दैट यू कैन यूज दैट वर्ड्स इन योर डेली लाइफ और इन योर डेली रूटीन. ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज विस्पर. आप सोच रहे ये अजीब से साउंड क्या आई बीच में. जब हम किसी के कान में, आई एम श्योर आप सब ये क्लासेस में भी करते हो और आपने ये सब करते देखा भी है, जब हम क्या करते हैं, हम किसी के कान में कुछ भी बात बोलते हैं ताकि सेकंड या थर्ड पर्सन हमारी वो बात सुन ना ले, हम वो साउंड, हम ऐसे कान में किसी के बात बोलते हैं. धीरे धीरे बात को खुसफुसाना, जिसे हम कह देते हैं खुसफुसाना, खुसफुसाना को हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? विस्पर करना. जब हम किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन के कान में धीरे धीरे खुसफुसाते हैं कोई बात को, उसे हम क्या बोलते हैं? खुसफुसाना. मतलब धीरे धीरे बोलना ताकि किसी नेक्स्ट पर्सन को आपकी बातें ना सुने. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू विस्पर, नो वन कैन हियर अस. तुम्हें धीरे धीरे बोलने की या खुसफुसाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें कोई नहीं सुन सकता. ओके, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, जो एक गर्ल है वो सेकंड गर्ल के कान के अंदर क्या कर रही है? कुछ बात बोल रही है. जो सेकंड गर्ल है वो एक रिएक्शन दे रही है, हा वाला, राइट? तो इसे हम कहते हैं विस्पर. विस्पर को हम कहते हैं खुसफुसाना. आई एम श्योर ये वाली चीज तो आपने बहुत इजिली गर्ल्स या लेडीज में नोटिस की होगी, या आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हो तब आपने ये चीज देखी होगी बड़ी कॉमनली. ओके, हम हमारा मूव, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ. है ना, बिफोर दैट, है ना इजी इंग्लिश को सीखना, कितने इंटरेस्टिंग वे से हम कितने न्यू वर्ड सीख रहे हैं. हम पिक्चर के साथ उन वर्ड्स को इमेजिन भी कर सकते हैं और उन वर्ड्स को बहुत इजिली समझ भी सकते हैं. किसी चीज को देखना और उसके बाद सुनने के बाद हम उस चीज को बहुत इजिली इमेजिन कर सकते हैं और हम उस वर्ड्स को सीख सकते हैं और इन वर्ड्स को हम कभी भूलेंगे भी नहीं. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे वर्ड की तरफ, दैट इज बर्प. दैट इज बर्प. अब एक यहाँ पे फैटी मैन है. फैटी मीन्स मोटा. फैटी मीन्स मोटापा. ओके, सो यहाँ पे एक हेल्दी सा मैन है, यहाँ पे मोटा आदमी है, वो क्या कर रहा है? वो एक
डकार ले रहा है। बर्प मीन्स डकार लेना। जैसे कि आपको पता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद यूजली हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो डकार लेते हैं, तो उसे डकार लेने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बर्प करना। डकार लेने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बर्प करना। ओके, प्लीज डोंट बर्प इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। प्लीज तुम सामने गेस्ट के सामने डकार मत लेना, क्योंकि डकार लेना इज अ बैड मैनर। एज यू नो इन आवर इंडियन कल्चर डकार लेना इज नॉट अ पोलाइट थिंग, राइट? कि हम इसे बैड मैनर्स मानते हैं। बट एज यू नो या आई गेस आपको नहीं पता होगा, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इन चाइना बर्प इज अ पोलाइट थिंग। बर्प करना पोलाइट माना जाता है। जैसे कि चाइना में जब भी वो डाइनिंग पे खाना खाते हैं, उसके बाद अगर वो डकार लेते हैं तो उस चीज को पोलाइट माना जाता है, जबकि इंडिया में इसे पोलाइट नहीं माना जाता। ओके, अलग अलग कंट्रीज हैं, सबके अलग अलग मान्यताएं या अलग अलग वो चीजों को देखते हैं, अलग अलग वे से वो चीजों को देखते हैं। ओके, सो बर्प मीन्स डकार मारना। जब भी हम खाना खा के खाने को हजम करने के लिए जब हम एक डकार लेते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्प। उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्प। आई होप आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ भी आ रहे हैं और आप इनको अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे हैं अपनी रफ नोटबुक में। बट वन मोर थिंग बेटा, जब तक आप इन वर्ड्स को डेली लाइफ में अपने यूज नहीं करोगे, यू कांट मेक योर वोकैबुलरी लिस्ट। आप अपनी एक शब्दों की लिस्ट या आप अपनी एक वोकैबुलरी बुक या नोटबुक नहीं बना सकते हो। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स एज वेल कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को इंसिस्ट कीजिए कि वो इन वर्ड्स को डेली यूज करें, और डेली इन वर्ड्स को रिपीट करने से क्या होगा कि ये वर्ड्स उनके माइंड में सेट हो जाएंगे और वो इन वर्ड्स को कभी भी भूलेंगे नहीं। क्योंकि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो ऑब्वियसली हमें कुछ ऐसे वर्ड्स को सीखना पड़ेगा ताकि हम हमारी बातों को रिप्रेजेंट कर पाए। जब भी हमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि हम इस चीज़ को बोलेंगे क्या, क्योंकि हमने उन चीज़ों के कभी मीनिंग या इंग्लिश में वर्ड हमने उसे सीखा ही नहीं होता है। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी खुद की वोकैबुलरी लिस्ट बनानी है और इन वर्ड्स को रिपीट भी करना है इन योर डेली लाइफ, सो दैट यू कैन यूज दिस वर्ड्स इन योर डेली लाइफ और यू कैन मेंटेन योर ऑन वोकैबुलरी लिस्ट। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन अवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्नीज। स्नीज मीन्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं ये साउंड क्या आई है, ये साउंड आई है छींकने की, ये साउंड आई है छींकने की। स्नीज मतलब छींकना। यूज अ हैंकरचीफ व्हेन यू स्नीज, कि जब तुम छींकते हो तुम्हें हैंकी को यूज करना चाहिए। ओके, हैंकरचीफ मीन्स हैंकी, रुमाल, जिसे हम हिंदी में रुमाल बोल देते हैं। एंड एज यू नो कोरोना वायरस चल रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड यूज योर हैंकी व्हाइल यू आर स्नीजिंग। जब भी आप छींक रहे हो या खांस रहे हो आपको आपका हैंकी को यूज करना चाहिए आपके माउथ को कवर करने के लिए, सो दैट जो हमारे जर्म्स हमारे मुंह से निकल रहे हैं छींकते या कफ करते टाइम, वो किसी सेकंड पर्सन को ना जाए, किसी सेकंड पर्सन के पास ना जाए। ओके, ऐसे अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज स्नोर। पिक्चर को देख के आप बहुत इजिली गेस कर सकते हो कि इसका मतलब क्या होगा। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं। जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं हम खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं, तो खर्राटे लेने को क्या बोलते हैं? स्नोर करना। खर्राटे को हम क्या बोलते हैं? स्नोर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मम्मा को बोल, आपकी मम्मा बोल रही तू बहुत खर्राटे लेता है, फिर आप अपने मम्मा को रिप्लाई क्या करोगे? आई डोंट स्नोर।
मैं खराटे नहीं लेता। स्नोर मीन्स खराटे लेना। और जैसे कि आपको पता है कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो और आपको बहुत ज्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है और गहरी नींद के टाइम आप क्या लेते हो, खर्राटे लेते हो। तो इसी से मिलता जुलता कुछ नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे आपके लिए, दैट इज यॉन। दैट इज यॉन। यॉन मीन्स उबासी लेना। आप फील कर सकते हो अभी मैंने क्या किया कि मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, तो मैंने क्या शुरू कर दी, मैंने उबासी लेनी शुरू कर दी। मैंने क्या लेनी शुरू कर दी, मैंने उबासी लेनी शुरू कर दी। तो उबासी लेने को हम क्या बोलते हैं, यॉन। उबासी लेने को हम क्या बोलते हैं, यॉन। आई कांट स्टॉप माई यॉइंग, आई थिंक आई एम वेरी टायर्ड। मैं अपनी उबासी रोक ही नहीं पा रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं बहुत थक चुकी हूँ। टायर्ड मीन्स थकना। सो these are your words that are related to human sound vocabulary. Okay? So हमने क्या किया, आज हमने कुछ new words सीखे जो कि हमें पता ही नहीं थे, जो हमारी sound से related थे। और ये words और या ये हरकतें हम daily notice करते हैं अपनी daily life में, जो कि हमारे घर में हमारे elders या हमारे मम्मा पापा ये हरकतें करते हैं। okay? या जो ये things करते हैं। ओके तो हम क्या करेंगे, अब हम एक क्विक रिवीजन लेंगे हमारे इन सब वर्ड्स के प्रोनंसिएशन की। बट यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और जरूरी बात, आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आप इन वर्ड्स को सुन रहे हैं तो आपको इन वर्ड्स का मतलब तो समझना ही समझना है, बट आपको इन वर्ड्स की प्रोनंसिएशन पे भी प्रॉपर ध्यान रखना है। ओके सो हम एक रिवीजन देते हैं हमारे बैकवर्ड में जाके। ओके यॉन, स्नोर, स्नीज, बर्प, विस्पर, स्लर्प, साई, स्निफ, गिगल, हम। ओके सो ये थे आज के आप कुछ आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स जो आपने सीखे, और आपने इन वर्ड्स को अच्छे से सुनना भी है और साथ में सीखना भी है, और अपने घर में अपने बड़ों को या अपने छोटे भाई बहनों को आपको ये वर्ड्स सिखाने भी हैं। जब भी आप ऐसी कुछ एक्टिविटी अपने आसपास होते देखोगे तो आप इन्हीं वर्ड को यूज करोगे। ओके आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि ये हमने कुछ अलग किया और कुछ इंटरेस्टिंग वे से हमने हमारी स्टडी को आज किया। सो एंड वन मोर रिक्वेस्ट, कि मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, सो दैट आपका स्कूल आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स कर पाए और आपको कुछ न्यू थिंग्स सिखा पाए, ताकि आपका कोई भी ऐसा लॉस ना हो जो आपका घर पे रह के हो रहा है। सो दिस इज अ वीडियो फ्रॉम योर स्कूल। स्टे एट होम, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस।